हेलो फ्रेंड्स, मेंटर्स ज्ञान के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं श्रिया पांडे, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ स्टेनोग्राफी। पिछली क्लास में आपने वर्णमालाओं का अध्ययन किया था और साथ ही आपने शॉर्ट हैंड में जो व्यंजन यूज़ होते हैं उसका भी अध्ययन किया था। लेकिन आप लोगों को सिर्फ अभी तक वर्णमाला पता है, लेकिन व्यंजनों को जोड़ना कैसे है वो आप लोगों को नहीं पता है। पिछली क्लास में आप पढ़ोगे कि क इस प्रकार बनता है, च वर्ग इस प्रकार बनता है, प वर्ग इस प्रकार बनता है, लेकिन इन व्यंजनों को आपस में जोड़ना कैसा है ये आप इस क्लास में समझेंगे। अगर आप पिछली क्लास को ध्यान से देखे होंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि ये आउटलाइन किसकी है, या फिर ये आउटलाइन किसकी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि अगर हम इन दोनों आउटलाइन को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। दो आउटलाइन को जोड़ने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि पहला तो ये कि जब कभी भी आप दो आउटलाइन को जोड़ेंगे तो अपना हाथ दोबारा नहीं उठाएंगे। अगर आपको ये क है और ये क्या है म, अगर आपको क और म को एक साथ जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, पहले क बनाएंगे फिर म बनाएंगे। यहाँ आप हाथ नहीं उठाएंगे, जहाँ पर आप जोड़ेंगे वहाँ पर आप हाथ नहीं उठाएंगे। अगर आपको च और म को जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, पहले च बनाएंगे फिर यहीं से म बनाएंगे। अगर प और म को जोड़ना हो तो पहले प बनाएंगे और फिर यहीं से म बनाएंगे। हमेशा यही बात ध्यान रखना है। आगे और अगर कुछ भी आया, जैसे प आए, म आया, फिर क आया, ल आया, फिर प आया, तो इधर जो भी व्यंजन आते जाएंगे आप कंटिन्यू वो आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपना हाथ नहीं उठाएंगे जब तक आपका कोई एक वर्ड है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे। जैसे हम कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे अमन, अमन में आप देखोगे सामने दिख रहा है अ। अ क्या है, आपका स्वर है जो आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने सिर्फ अभी व्यंजन पढ़ा है जिसमें है म और न, तो आप अगर स्वर अभी नहीं पढ़े हो तो स्वर को ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ देखिए म और न। म और न को अगर हम देखेंगे तो कैसा बनता है, म और फिर ये न। अगर आपकी ये कॉपी है, कॉपी की ये लाइन है, यहाँ पर अगर आपको म और न बनाना है तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ म बनाएंगे फिर यहीं से न बनाएंगे। ये लाइन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये आपके कॉपी की लाइन है उसमें आप म बना रहे हो तो न आप यहाँ से नीचे से लेकर जाओगे, ये तरीका आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आपको म और न एक साथ बनाना है तो आप क्या करोगे, इस कॉपी के लाइन में अगर यहाँ से म स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से घूम कर ही न बनेगा, दोबारा आपके हाथ नहीं उठेगा, ना आपका हाथ उठेगा ना ही वो लाइन बिगड़ेगी, आपको उसी फ्लो में आगे बढ़ते जाना है। हाथ नहीं उठाना, ये सबसे मेन बात है। दूसरा बात ये कि अगर आप दो व्यंजनों को जोड़ रहे हैं तो एक व्यंजन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा व्यंजन चालू होगा। अगर आपको अमन ही लिखना है तो अमन अगर आपको लिखना है तो पहले आप म लिखे फिर न लिखे। मान लो और भी यहाँ कुछ वर्ड होता है, यहाँ पर मान लो प होता, स होता, तो आप यहाँ पर प और स ये पूरा कंप्लीट करते उसके बाद ही अपना हाथ उठाते, या एक और क्या करोगे, जहाँ पर आपका ये एक ख़त्म होता है वर्ड वहीं से दूसरा स्टार्ट होगा। मतलब जहाँ पर आपकी एक आउटलाइन ख़त्म होती है, मतलब कि जहाँ म की आउटलाइन ख़त्म हो रही है यहाँ पर वहीं से ये न का आउटलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर न और प लिखना है तो ये न बनाए, न यहाँ पर ख़त्म हो रहा है इस पॉइंट पर, तो इसी पॉइंट से जहाँ पर न ख़त्म हो रहा है वहीं से आप प बनाओगे। तो ये आपको समझ में आ गया, जहाँ वर्ड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लोगे और जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है वहीं से उसका जो दूसरा शब्द आ रहा है वो आप जोड़ते जाओगे, ठीक है। इसके कुछ रूल्स भी बने हुए हैं जो आप लोग को शॉर्ट हैंड के बुक में दिया होगा, तो कुछ रूल्स को हम देखते हैं। देखो पहला नियम क्या कहता है कि जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, दूसरा अक्षर लाइन से कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन दिख रही है, समझ लीजिए ये आपकी कॉपी की लाइन है, तो कह रहा है कि जो पहला अक्षर हो, पहला शब्द अगर देखेंगे तो पहला शब्द आपको यहाँ क्या मिला है, पंग, ये अंगा है ना, आप इसको ड नहीं पढ़ना, ये अंगा है, तो पहला अक्षर है पंग। मैंने बताया था ये अंग का आउटलाइन क्या होता है, ऐसा होता है, न होता है, न बीच से डार्क होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं अंगा, तो ये पंग का आउटलाइन है। तो पहला नियम में क्या बोल रहा है, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला व्यंजन या ऊपर जाने वाला
प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो। अगर आपका जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर यहाँ क्या है, पंग में प है पहला अक्षर। अगला एग्जांपल देखेंगे टप, तो टप में पहला अक्षर क्या है, ट। इसमें पहला अक्षर क्या है, च। तो जो भी पहला अक्षर है, चाहे वो ऊपर से नीचे आने वाला हो, जैसे मैंने डायरेक्शन पढ़ाया था कि अधोगामी ऊर्ध्वगामी, तो जो भी डायरेक्शन का व्यंजन हो, अगर वो नीचे से ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसे पहले बनाओगे। और कहाँ पर बनाओगे, एग्जैक्ट लाइन पर। तो क्या कह रहा है कि दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी जा सकते हैं, तो पहला जो अक्षर है वो एग्जैक्ट लाइन पर बनेगा। मतलब पंग है तो पहला प बनाओगे आप लाइन पर, ये होता है हमारा लाइन, तो लाइन पर एग्जैक्ट आप प बनाओगे, फिर जो अंगा है वो बनाओगे ऐसा। तो ये ऐसा बना हुआ है इसकी आउटलाइन। तो वही कह रहा है कि पहला जो अक्षर होगा वो आप लाइन पर ही टच होकर बनाओगे। लाइन का विभाजन कैसे करते हैं, अगर ये इन दोनों लाइन के बीच है तो उसको बोलेंगे लाइन के बीचों बीच। अगर लाइन इस लाइन किसी भी लाइन को काट रहा है तो बोलेंगे लाइन से कटा हुआ। और अगर इस लाइन या इस लाइन किसी भी लाइन पर टच है तो उसमें लाइन पर या लाइन से टच ऐसा बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे टप, टप में पहला अक्षर है ट, तो वैसे ही ट पहले बनाओगे लाइन पर टच, और फिर जो प है वो जिस भी दिशा में जा रहा है वहाँ चला जाएगा। जैसे प व्यंजन आपका कैसा बनता है, प ऐसा बनता है, ट कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अब आपको ट को और प को आपस में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, आप बनाए ट, आपने पढ़ लिया है कि अगर कोई भी व्यंजन स्टार्टिंग में आ रहा है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन का हो, अगर आ रहा है तो आप क्या करोगे, पहला उसे लाइन पर टच करोगे, उसके बाद जो आ रहा है, उसके बाद जो आ रहा है वो वहीं से टच होकर आगे चला जाएगा। यहाँ पर मैं हाथ उठाकर बता रही हूँ, लेकिन आप लोग जब ये बनाओगे तो अपनी कॉपी में हाथ नहीं उठाओगे, आप लोग को उसी फ्लो में आगे बढ़ते जाना है। आप बनाओगे ट और फिर प। दूसरा एग्जाम्पल है फट, ये आप देख रहे हैं ये किसका आउटलाइन है, फ का आउटलाइन है। क्या होता है, तिरछी रेखा रहती है, बीच में कट का निशान रहता है और फिर ट बना रहता है। यहाँ आप देखोगे कि मैंने बोला है कि व्यंजनों को जोड़ते समय कट का निशान नहीं लगाओगे, तो मैंने आपको बताया था कट का निशान अगर नहीं लगाओगे तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में एक डैश लगाओगे, तिरछा डैश लगाओगे स्टार्टिंग में, तो वो क्या हो जाएगा, कट का निशान हो जाएगा। फिर बनाओगे, ये पूरा आएगा आपका यहाँ तक, फिर बनाओगे ट। जो भी कोई व्यंजन है, जो कठिन व्यंजन होते हैं, जो बीच से कटे हुए होते हैं, उनको आप स्टार्टिंग में ही अगर काट कर लिखोगे, अगर वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं, जैसे फ आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, फ कटा हुआ व्यंजन है, वो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में एक डैश डालकर उसको स्टार्ट करोगे, तो वो फ ऑटोमेटिक आप पढ़ोगे। और अगर फ लास्ट में आ रहा है, फ अगर लास्ट में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, फ बनाओगे, फिर एक लास्ट में डैश निकाल दोगे। तो जो व्यंजन को हम अब तक हाथ उठाकर काट रहे थे, अभी वो हाथ उठाकर काटने की जगह आप क्या करोगे, सिर्फ अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो एक डैश के साथ स्टार्ट करोगे, लास्ट में आ रहा है तो एक डैश के साथ खत्म करोगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं फट, तो वैसे ही क्या करोगे, पहला व्यंजन है फ, तो आप फ को करोगे लाइन पर टच, और जो ट है वो डायरेक्ट जिस भी दिशा में जाना है उसमें नीचे की ओर चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है दड, द का आउटलाइन कैसा बनता है, ये, और ड का आउटलाइन कैसे बनता है, सीधा नीचे। फर क्या रहता है, ये, त, थ, द, ध, दिखने में सेम है। फर क्या रहता है, ये रहता है आपका डार्क, ये भी रहता है डार्क। यहाँ आपको तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप अपने कॉपी में बनाएंगे तो आप लोग क्या करोगे, ये दोनों व्यंजनों को डार्क करके लिखोगे। तो वैसा ही क्या है आपका, द और ड क्या है, डार्क है, तो द एग्जैक्ट आपके लाइन पर टच होकर लिखाएगा, जो ड है वो नीचे की तरफ बनता है, तो नीचे की तरफ वहीं से जुड़कर आगे बढ़ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है झप, जहाँ मैंने फिर से बताया, यहाँ एग्जाम्पल में तो कटा हुआ ही लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कटा हुआ नहीं बनाना है, तो यहीं से कट निशान लगाकर बनाओगे झ और फिर बनाओगे फ। तो फ मैंने बोला है, अगर लास्ट में आएगा तो क्या करोगे, फिर से यहाँ एक डैश निकालोगे, तो हाथ नहीं उठना चाहिए। जब इसको मेन आप फ्लो में बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये झ और ये फ, ये आपका स्टार्टिंग का कट का निशान हो जाएगा, ये लास्ट का कट का निशान हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है तन, तन में कैसा बनाया है, सिंपल से इसने त बनाया है, जो लाइन पर टच किया है और वहीं से बना दिया है न। चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, जो आपका राइट साइड वाला त है वो ले सकते हो और ये न बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है आपका टन, टन में इसने क्या किया है, ट की आउटलाइन बनाई है लाइन पर टच और वहां पर बनाया है कटा वाला न, कटा वाला न उसने इसलिए यूज़ किया। यहाँ फिर से अब न को काटना है तो क्या करोगे, यहाँ भी एक डैश निकालोगे, जो हाथ उठाकर नहीं निकालोगे आप, क्या निकालोगे, सीधा ट बनाए
और ये न बना दिए। कटा वाला न इसने इसलिए बनाया है क्योंकि जब भी हम कभी दो आउटलाइन को जोड़ते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ये जैसा एक सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा है, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ना है तो यहाँ कोण स्पष्ट होना चाहिए। तो जब ट और न को ऐसा बनाएंगे, ट और न, तो यहाँ अगर आउटलाइन जोड़ रहा है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। क्लियर दिखाई नहीं देने की वजह से जब आप स्पीड में लिखोगे तो ये पढ़ नहीं पाओगे कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है। उसको स्पष्ट पढ़ने के लिए ही क्या कर किया है इसने, ट बनाया है और फिर ये वाला न बनाया है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है वो क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है वग। वग में क्या किया है, देखो ग का आउटलाइन इसने डार्क बनाया है क्योंकि ग क्या होता है, डार्क होता है। सिंपल इसने व बनाया फिर ग। अब देखो व क्या है, ऊपर जाने वाली रेखा है और इसने यही बोला है चाहे वो ऊपर जाने वाली रेखा हो चाहे नीचे आने वाली रेखा हो, स्टार्ट कहाँ से करेगा, लाइन से ही करेगा। तो यहाँ से ये लाइन है कॉपी का, तो जैसे आप लोगों की ये कॉपी की लाइन रहेगी तो यहीं से आप व करोगे और फिर ग बनाओगे, तो ये हो जाएगा आपका वग। दूसरा नियम देखते हैं, क वर्ग के अक्षर म, न और अंगा नीचे या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं हैं बल्कि आड़े अक्षर हैं। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि क वर्ग, क वर्ग का डायरेक्शन कैसे रहता है, ये म और न, म कैसा बनता है ऐसे, न कैसा बनता है ऐसे और अंगा। तो इनके बारे में क्या कह रहा है कि अगर ये ये जो अक्षर हैं वो पहले आते हैं, मतलब कोई भी अगर शब्द हम लिख रहे हैं उसमें का पहला अक्षर या तो क वर्ग का कोई व्यंजन होगा या म होगा, न होगा या फिर अंगा होगा। अगर इनमें से कोई भी होता है और वो स्टार्टिंग में आता है तो हम उसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे, उसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे, लाइन के बीच ऊपर से स्टार्ट करेंगे, लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर वो नीचे उस या फिर ऊपर जो भी उसके बाद वाला व्यंजन होगा उस डायरेक्शन में अपने आप जाएगा। एग्जाम्पल देखो खट, खट का एग्जाम्पल दिया है, खट, खट में पहला, खट क्या है, एक शब्द है, शब्द में पहला अक्षर क्या है, ख, ख मतलब कि कहाँ आ गया, क वर्ग का व्यंजन आ गया, तो ख कैसा बनता है ऐसा, ट कैसा बनता है ये। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है तो क्या करेंगे, क्या बोल दे रहा है कि अगर ये जो आड़ी रेखाएँ होती हैं, मैंने इन्हें बताया था कि आड़ी रेखा है, अग्रगामी रेखा है, आड़ी रेखा है, तो जब आड़ी रेखा पहले आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आ रही है उसको लाइन पर टच करेंगे और जो ये रेखा पहले आ रही है वो लाइन के बीचों बीच रहेगी। तो जो कट का निशान यहाँ लगा हुआ है ख पर, वो हम स्टार्टिंग में लगा कर ऐसा लिखेंगे फिर बनाएंगे ट। बुक में आपका ऐसा बना हुआ है लेकिन ये बनाने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए कट का निशान क्या करेंगे, पहले ही लगाएंगे फिर बनाएंगे ट। तो आप ऐसा ही बनाने का आदत डालिए, कट का निशान क्या है, आप बीच में नहीं लगाएंगे हाथ उठाकर, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट होता है, बार बार हाथ नहीं उठाना है। वर्ड्स को जोड़ते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हाथ बार बार नहीं उठना चाहिए। ये ख और फिर ये ट। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है मंग, म, मंड है, मंड। इसके लिए क्या करोगे आप, ये आपका दिया हुआ है म और ये जो अढ़ी मैंने बताया था आपको क्या होता है, ये अढ़ी पढ़ते हैं हम लोग इसको, तो इसका आउटलाइन कैसे बनता है, र की तरह। अंतर क्या होता है, इसमें दोनों में बीच में कट का निशान लगा हुआ होता है और म के साथ ही आपको उसको जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, पहले म बनाए, फिर इसने क्या लिया है, ये जो नीचे वाला जो अढ़ी होता है, नीचे वाला अढ़ी इसने बनाया हुआ है, नीचे वाले अढ़ी को यहीं से जोड़ा है, फिर उसमें कट का निशान लगाया है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, म बनाओगे फिर ये अढ़ी बनाओगे, ये वाला अढ़ी भी यूज़ कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, या तो आप यही वाला यूज़ कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन यहाँ हाथ उठाकर कट का निशान नहीं लगाओगे, फ्लो में बनाते चलोगे तो कैसा बनाओगे, म और ये अढ़ी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है गब। तो ये तो सिंपल है कि ये जो ग है आपका पहला अक्षर ग है और ग क्या है, आड़ी रेखा है और वो पहले आ रही है, तो वो लाइन के बीचों बीच पहले ग बनाएंगे फिर ब बनाएंगे। इधर जो दूसरा अक्षर है, ये जो दूसरा अक्षर है, कोई भी दूसरा अक्षर हो, ये दूसरा अक्षर का डायरेक्शन कोई भी हो वो मायने नहीं रखता, सिर्फ पहला अक्षर मायने रखता है कि पहला अक्षर का डायरेक्शन जहाँ है वो हमको ध्यान में रखना है, उसके बाद जो भी आ रहा है वो जिस फ्लो में जाएगा उसी फ्लो में आगे बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग आपकी सही होनी चाहिए।
अगला एग्जाम्पल है कट, तो फिर से क क्या है, आड़ी रेखा है तो लाइन के बीचों बीच और फिर ट। चाहो तो आप ये आपका ये जो आउटलाइन है ये यहाँ से इधर भी जा सकती है, यहाँ से इधर भी जा सकती है, यहाँ से आगे भी बढ़ सकती है, नीचे आ सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, किसी भी दिशा में जा सकती है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, लाइन के बीचों बीच। ठीक, अगला एग्जाम्पल है मट, तो म भी क्या है, आड़ी रेखा है ना, और फिर दूसरा क्या है ट। तो अगर आप ऐसा बनाओगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ तो क्लियर बहुत सावधानी से बना रही हूँ तो ऐसा दिख रहा है, जब आप स्पीड में बनाओगे तो ये म और ट जब जोड़ोगे तो यहाँ से दिखाई ही नहीं देगा कि कहाँ से म ख़त्म हुआ है और कहाँ से ट स्टार्ट हुआ है। इसलिए यहाँ क्या करते हैं, जो कटा हुआ म होता है, जो एक म दो प्रकार से बनता है, एक म ऐसा और दूसरा म ऐसा, तो जो कटा हुआ म होता है उसने यहाँ वही प्रयोग किया है। तो आप कटे हुए के लिए क्या निशान बनाएंगे, स्टार्टिंग में ही कट लगाकर आगे बढ़ेंगे। ये जो इसने यहाँ बीच से हाथ उठाकर कट लगाया उसके जगह आप स्टार्टिंग में कट का निशान लगाएंगे, फिर म बनाएंगे और फिर ट बनाएंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। लास्ट एग्जांपल है नप, नप इसने बिल्कुल सही बनाया है, न बनाया है और फिर प बनाया है, लाइन के बीचों बीच बनाया है क्योंकि आड़ी रेखा है और पहले में आ रही है तो लाइन के बीचों बीच ही रहेगी। अगला नियम देखते हैं, क वर्ग के अक्षर तथा म न और अंगा के बाद ऊपर जाने वाली रेखा या अक्षर आए तो कॉपी के रेखा के आरंभ में होते हैं। देखो इसका कहना यह है कि अब तक आपने क्या पढ़ा कि जो क वर्ग है, अब तक क्या हो रहा था कि क वर्ग के बाद नीचे आने वाली रेखा आ रही थी, तो क वर्ग और जो आड़ी रेखा हो रही है, फिर से यहाँ क्या बोल रहा है, क वर्ग और आड़ी रेखा। आड़ी रेखा मतलब क्या क्या, एक तो ये क वर्ग आ गया पूरा, फिर म न आ गया और अंगा आ गया, ये सब क्या है, आड़ी रेखा है। तो अब पहले वाले नियम में क्या पढ़े हैं, ये आड़ी रेखा क्या आ रही थी, स्टार्टिंग में आ रही थी और इसके बाद क्या आ रहा था, नीचे आने वाला व्यंजन आ रहा था, है ना। मतलब कि क्या कर सकते हैं, ये हुआ आपकी आड़ी रेखा प्लस नीचे आने वाला व्यंजन। तो कैसा बना रहे थे हम लोग आउटलाइन को, बीचों बीच बना रहे थे लाइन के, स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, इसका स्टार्ट हो रहा था बीचों बीच से। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आड़ी रेखा प्लस ऊपर जाने वाली रेखा, तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, लाइन पर टच होकर। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन पर टच होकर इसका स्टार्ट हो रहा है, समझ में आया। अगर आपका आउटलाइन पहला अक्षर है आपका आड़ी रेखा, ये स्टार्टिंग में आएगा आड़ी रेखा, इसके साथ अगर आ जाएगा नीचे जाने वाली रेखा, तो कहाँ पर बनाओगे, लाइन के बीचों बीच से स्टार्ट करोगे, है ना। ये पहला हो गया। दूसरा नियम में क्या बोल रहा है कि आड़ी रेखा के साथ क्या आएगा, ऊपर जाने वाली रेखा, तो लाइन से टच होकर स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर नीचे जाने वाला आया तो लाइन के बीचों बीच, है ना, बीच में, और अगर ऊपर जाने वाला आ रहा है तो लाइन पर टच होकर स्टार्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, कल, कल में क पहला अक्षर है जो आड़ी रेखा है, तो क्या बोला है, लाइन पर टच रहेगा, लाइन पर टच रहेगा, तो ये आपने बनाया क और फिर ल। तो जो क है वो स्टार्ट कहाँ से है, लाइन पर टच होकर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी आ रहा है ऊपर जाने वाली रेखा, तो वो ऊपर जिधर भी जा रही, चाहे ल यहाँ तक ख़त्म हो जाए या यहाँ तक, वो जिधर भी जाएगी उधर वो सॉरी आगे चली जाएगी। तो वैसे ही आप बनाओगे क और फिर ल। दूसरा एग्जाम्पल है कब, तो आप बनाओगे क और फिर ब। देखो इसने यहाँ क्या किया है, कब की जगह क व बनाया है, कब बनाया है, ये भी आप कर सकते हो। कभी कभी हिंदी में या शुद्ध हिंदी या थोड़ा अवधी भाषा में क्या करते हैं, ब की जगह व यूज़ करते हैं, तो आप भी वैसा ही शॉर्टहैंड में भी कर सकते हो। अगर आपको ब की जगह व पढ़ने में आसानी जा रही है, तो आप यहाँ पर कब की जगह क व का भी आउटलाइन बना सकते हो। लेकिन जब अगर कब का ही आउटलाइन बनाओ तो ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, तो इसलिए ये आउटलाइन बनाना तो मैं नहीं बोलूँगी। आप हमेशा कब अगर आए तो क्या बनाओगे, क और फिर ब। लेकिन यहाँ इसने ये बताने का कोशिश किया है कि ये जो ऊपर जाने वाली रेखा है वो आनी चाहिए, क्योंकि
कई लोग क्या करते हैं, ब की जगह व ही बनाते हैं, लेकिन व क्या हो जाएगा, नीचे आने वाला रेखा हो जाएगा, तो ये क्या करना पड़ जाएगा, जो क है उसका स्टार्टिंग यहाँ से करना पड़ जाएगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि क का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, लाइन पर टच होकर होगा, इसलिए इसने क्या किया, ब की जगह व का आउटलाइन बनाया, तब क्या हो जाएगा, व क्या होता है, ऊपर जाने वाली रेखा होती है, ऊर्ध्वगामी रेखा होती है, तो हमारा ये नियम क्या है, फॉलो करेगा, इसलिए उसने क्या किया, कब की जगह क्या बनाया, क व बनाया, कब की जगह कव बनाया, और आउटलाइन जो उसको ऐसा बनाना चाहिए था उसने ये बनाया, पर जब ये नियम आपको फॉलो नहीं करना रहेगा तो आप क्या करोगे, कब के लिए यही आउटलाइन बनाओगे, ये वाला आउटलाइन नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए आप लोगों के। दूसरा एग्जांपल है नव, नव में भी पहला अक्षर क्या है, न, न पहला अक्षर है, उसके बाद क्या आ रहा है, व, न प्लस व, न कैसा बनता है ऐसा, व कैसा बनता है ऐसा, ये भी ऊर्ध्वगामी रेखा है, ऊपर जाने वाली रेखा है, तो पहले आप बनाओगे न और यहीं से जोड़कर बनाओगे व, कैसा रहेगा, लाइन पर टच होकर रहेगा, क्योंकि क्या बोला है कि अगर आड़ी रेखा के साथ आएगा ऊपर जाने वाली रेखा तो क्या होगा, लाइन पर टच होकर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब है पांचवा नियम कह रहा है, अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाली अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर आते हैं, बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं, तो वे भी रेखा पर से ही आरंभ होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास ऑलरेडी पहला अक्षर एक आड़ी रेखा है, उसके बाद दूसरा भी एक आड़ी रेखा आ रहा है, आड़ी रेखा के अंदर मैंने बताया पूरा आपका क वर्ग कख गघ आएगा, साथ में म न और अंग आएगा, यह आएगा पूरा आड़ी रेखा म न और अंगा, इसके साथ क्या होगा, प्लस आड़ी रेखा, मतलब कि क के साथ म आ गया, है ना, मतलब आड़ी रेखा के साथ ही एक आड़ी रेखा अगर आ जा रही है तो आप क्या करोगे, वो यहाँ बताया गया है, जैसे पहले एग्जांपल में मैंने बताया था कि म और न कैसा लिखोगे, वैसे ही ये बताया है कि अगर दो दो आड़ी रेखा एक साथ आ जाएंगी तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लाइन से ही स्टार्ट करेंगे, लाइन से टच करते हुए ही आप स्टार्ट करोगे। पहला एग्जांपल है मन, है ना, तो ये हुआ म और ये हुआ न, स्टार्ट कहाँ से करना है, लाइन से टच करके ही स्टार्ट करना है, तो पहले ये म स्टार्ट कर लिया, यहीं से जाएगा न, आप इसको नीचे से लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि अगर एक आड़ी रेखा आ रही है दूसरी आड़ी रेखा आ रही है तो वो उसी के लंबवत ही आगे बढ़ेगी, ऊपर नीचे नहीं होगा, आप ऐसा म बनाए फिर यहाँ से न बनाए ऐसा नहीं करोगे, या फिर न बनाए फिर म बनाए ऐसा नहीं करोगे, ये लाइन है तो लाइन से टच होकर ही यहीं से स्टार्ट होगा वो, तो आप बनाओगे ये म और यहीं से टच होकर बनेगा न। फिर है नख, न और क, पहला है न तो पहले आप न बनाओगे यहीं पर बनाओगे क, अब ये तो इसके बराबर नहीं आ सकता क्योंकि इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है, तो लेकिन ये फ्लो में तो आगे बढ़ रहा है, एक लंबवत में ही आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारा सही होगा। फिर है कन, अब यहाँ क पहले आ रहा है, कन में क पहले आ रहा है, तो ये क को क्या किया है, लाइन से टच किया है क और फिर न, अब देखो यहाँ न नीचे गया है, न नीचे इसलिए गया है क्योंकि क क्या एग्जैक्ट लाइन से टच होकर बनता है, क का आउटलाइन, तो न यहाँ पर तो बनाते नहीं बनेगा न, और हमको जाना है लंबवत, तो इसके लंबवत देखेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। अगला एग्जांपल है गन, ग में भी क की तरह ही है, बस डार्क है, तो ग बनाया और फिर ये इसके लंबवत ही बनेगा न, तो ये भी क्या है, आड़ी रेखा प्लस आड़ी रेखा, दोनों ही आड़ी रेखाएँ हैं एक साथ आ रही है। फिर है नम, यहाँ न पहले है और फिर म है, तो ये भी एक दूसरे के लंबवत बनेंगे। फिर है मक, मक में पहले म आया और फिर क आया, तो ये भी एक फ्लो में ही आगे जाएंगे, तो जब दो दो आड़ी रेखा एक साथ आएंगी तो वो एक दूसरे के समानांतर ही आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। देखो अगला नियम क्या कहता है, परंतु जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आवे और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखाएं, तो आड़ी रेखाएं कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाती है। मतलब कि अब तक क्या आया था, आपने दो दो अक्षर वाले शब्द देखे हैं, अब यहाँ तीन अक्षर वाले शब्द हैं, जिसमें से दो ही रेखा तो क्या है, आड़ी रेखा है, यहाँ म दिया है ये भी आड़ी रेखा है, न दिया है वो भी आड़ी रेखा है, यहाँ क दिया है वो भी आड़ी रेखा है, न भी आड़ी रेखा है, तो जब दो दो आड़ी रेखाएँ एक साथ आ रही है उसके बाद क्या आ रहा है, नीचे आने वाली रेखा, यहाँ भी दो आड़ी रेखा आ रही है उसके बाद नीचे आने वाली रेखा आ रही है, तब क्या बोल रहा है, अगर एक साथ आए
तो कॉपी की रेखा के ऊपर लिखे जाती है। तो कॉपी की रेखा क्या है, ये इसके ऊपर लिखा है, इसने यहाँ पर लिखा है, तो कॉपी की रेखा के ऊपर लिखे जाती हैं। तो हमारा शब्द क्या है, मनप। मनप स्टार्ट कहाँ किया है, वो बोल रहे हैं कॉपी की रेखा के ऊपर, तो ये कॉपी की रेखा है उसके ऊपर ये स्टार्ट कर रहे हैं, म और न और प। ठीक, अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ क्या था पहले अक्षर में, पिछला जो एग्जाम्पल देखे थे आप, वहाँ पर आपके पास सिर्फ मन था। मन को आपने कैसा स्टार्ट किया था, दो आड़ी रेखा एक साथ आ रही थी, दो आड़ी रेखा एक साथ आ रही थी तो क्या किए थे, लाइन पर टच किए थे। यहाँ क्या हो गया, दो आड़ी रेखा एक साथ तो आ रही है, प्लस उसके साथ साथ एक नीचे जाने वाली रेखा भी आ रही है, तो क्या हो गया, अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, तुरंत नियम बदल जाएगा और ये रेखाएं ऊपर आ जाएंगी और वहाँ से नीचे जाने वाली रेखा आ जाएगी। ये इसलिए क्योंकि अगर आपके साथ सेम नियम आप फॉलो करते चलते कि दो आड़ी रेखा आ रही है एक साथ, आप लाइन पर टच करके लिख लिए, फिर नीचे जाने वाली रेखा लिया, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा और जब आप आगे लिखते जाएंगे तो ये सीक्वेंस मैच नहीं करेगा, एक दूसरे के समानांतर पैरेलल फिर नहीं चलती जाएंगी, वो आगे पीछे हो जाएंगी। इसलिए एक साफ सुथरा आउटलाइन दिखाई दे, इसलिए ये नियम भी बनाया गया है, ताकि आपका थोड़ा स्पीड भी बढ़े और दिखाई भी अच्छे से दे, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए म, न और प नीचे जाने वाली रेखा है, तो पहले म बनाए, न बनाए और फिर प बनाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कनप। तो आपका क, न, प, यहाँ भी क और न क्या है, आड़ी रेखाएं हैं, तो एक दूसरे के समांतर लिखा, और यहाँ पर अगर प नहीं होता सिर्फ आपके पास क और न होता तो क्या करते, यहाँ क बनाते और फिर यहाँ न बनाते, लेकिन ये तीसरा भी व्यंजन यहाँ पर आ गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क, न, प। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगला नियम है, पहले अक्षर के स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता है। ये कह रहा है कि अगर आपके पहला अक्षर का स्थान निर्धारित है, मतलब आपको पता है कि अगर पहला क्या आ रहा है, देखो यहाँ पहला आपका क्या आ रहा है, नीचे आने वाला व्यंजन आ रहा है, ठीक है, उनका स्थान अगर आपके पास निर्धारित है, उसके बाद अगर कोई भी अक्षर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी सुविधा अनुसार ही उसी फ्लो में आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आपको पता है अगर पहले क्या आ रहा है, नीचे जाने वाला व्यंजन आ रहा है, आपका जो पहला अक्षर क्या है, जैसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं पक, पक है, तो पहला अक्षर क्या है, प, प क्या है, नीचे आने वाला व्यंजन है, तो जब भी नीचे आने वाला व्यंजन पहले आता है तो क्या करते हैं, उसको लाइन पर टच करके लिखते हैं, तो पहले तो लाइन पर टच करके प लिख दिए, उसके बाद आ रहा है क, तो क क्या आ रहा है, अगर पहला का स्थान निर्धारित हो गया तो दूसरा को आप सुविधा अनुसार यहीं पर क बना देंगे, जहां पर प खत्म हो रहा है वहीं से आप क बना दोगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है पकज। अब देखो आप बनाए प, क, यहाँ आपकी आउटलाइन खत्म हो रही है, अब यहाँ पर इसने एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया, ज भी जोड़ दिया, ज भी जोड़ दिया, तो क्या करोगे, यहीं से ज का आउटलाइन बना दोगे। वही ये कह रहा है कि जहाँ आपका पहला स्थान निर्धारित हो गया कि प अगर पहले आ रहा है, मतलब वो लाइन पर टच करके ही लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी शब्द आए, जैसे प आया, फिर क आया, फिर ज भी आ गया, तो वो जो भी फ्लो है उसका, वो उसी फ्लो में आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, बस यहाँ से हाथ नहीं उठाना है, बस आगे बढ़ना है उसी फ्लो में। फिर है मनट। तो म, न, ट, पहले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि म, न, ट, अगर म और न दो दो आड़ी रेखा एक साथ आते तो आप क्या करते, यहाँ पर टच करके बनाते, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे तीसरा भी आ गया तो क्या करोगे, टच करके नहीं बनाओगे, बल्कि लाइन के बीचों बीच से स्टार्ट करोगे, तो बीचों बीच म, न स्टार्ट की और फिर बनाए ट। अगला है मपत। मपत यहाँ पे भी देखो, म क्या है, एक आड़ी रेखा है, लेकिन इसने क्या है, कटा हुआ म यूज़ किया, कटा हुआ म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि शब्द क्या है, म, प और त, अगर इसने कटा हुआ यूज़ नहीं करता तो म, प और त ऐसा बनता, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता कि म कहाँ से ख़त्म हो रहा है और प कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो दिखाई देने के लिए ही इसने क्या किया है, कटा हुआ म यूज़ किया है, फिर प बनाया है और फिर त बनाया है। म क्या है, आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा अगर स्टार्टिंग में आता है तो क्या होता है, लाइन के बीचों बीच लिखा जाता है, अगर पहला अक्षर क्या है, आड़ी रेखा है, उसके बाद क्या है, नीचे जाने वाली रेखा है। शुरुआत के आपने नियम में पढ़ा है कि अगर आड़ी रेखा पहले आ
रही है, उसके बाद नीचे जाने वाली रेखा आ रही है, तो आड़ी रेखा कहाँ पर रहेगी, लाइन के बीचों बीच रहेगी, तो इसलिए इसने बीचों बीच से स्टार्ट किया, माँ बनाया, फिर प बनाया, फिर त बनाया। ये नहीं बनाना है हमको, क्या बनाना है, कटा हुआ म प त, ठीक है। ये क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्थान स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से म खत्म हुआ है, कहाँ से प स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो ये आउटलाइन क्या होगी हमारी, सही होगी, जहाँ इसने ये बनाया हुआ है। तो आप क्या करोगे, बस ये स्टार्टिंग में कट का निशान लगाते चलोगे, क्योंकि हाथ उठाकर बीच से नहीं काटना है। अगला एग्जाम्पल है नजब, नजब के लिए इसने क्या किया है, न झ और ब, क्या किया है, न ये झ बनता है, अब ब बनता है, न देखो स्टार्टिंग में फिर से न आ रहा है, उसके बाद क्या रहा है, झ, झ क्या है, नीचे जाने वाली रेखा है, झ ऐसा बनता है, च वर्ग का व्यंजन है, च भी क्या है, ये च वर्ग का व्यंजन है, नीचे जाने वाली रेखा है, तो आड़ी रेखा के बाद क्या आ रहा है, नीचे जाने वाली रेखा आ रहा है, तो आड़ी रेखा कहाँ बनती है, बीच में बनती है, पिछले नियम में जैसा आपने देखा है, तो आप बीच से ही स्टार्ट करेंगे, फिर झ बनाएंगे, फिर ब बनाएंगे। तो जो पुराना नियम आप पढ़े हो, वही नियम को ध्यान में रखते हुए, चाहे यहाँ पर आपके पास चार चार या पांच पांच अक्षर वाले भी कोई शब्द आ जाए, नियम यही फॉलो करोगे, उसी को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे। सिर्फ स्टार्टिंग का ही ध्यान में रखना है कि शुरू के दो अक्षर आपके क्या हैं, शुरू के दो अक्षर से ही आपके आगे का क्या है डिसाइड हो जाएगा। जैसे लंबा वाला कोई एग्जाम्पल देखते हैं, करवट, करवट में देखो क्या किया इसने, पहला क्या आ रहा है क, पहला क आ रहा है, आड़ी रेखा आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ऊपर जाने वाली रेखा, करवट में क्या आ रहा है, पहला आ रहा है करवट, ठीक है, पहला आ रहा है क, उसके बाद आ रहा है र, क क्या है, एक आड़ी रेखा है, र क्या है, ऊपर जाने वाली रेखा है, तो अगर क के साथ ऊपर जाने वाली रेखा आ रही है, तो आप क्या करोगे, पहले क बनाओगे, फिर ऊपर जाने वाली रेखा बनाओगे, और क कहाँ पर बनाओगे, लाइन पर टच बनाओगे। पिछले नियम में आपने पढ़ा है कि अगर ऊपर जाने वाली रेखा आ रही है तो लाइन पर टच बनाओगे, नीचे आने वाली रेखा आ रही है तो लाइन के बीचों बीच बनाओगे। तो ऊपर जाने वाली रेखा है तो क्या करोगे, लाइन के टच में होकर बनाओगे, फिर क्या करोगे, र, फिर यहीं से व और फिर ट, हाथ उठाया क्या मैंने, नहीं उठाया, कैसा बनाओगे, क र व ट, ये लाइन पर क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। तो दूसरे पेन से देखते हैं, देखो क्या किया है, लाइन पर ही टच करेगा, क र व और ट, ठीक। दूसरा लंबा एग्जाम्पल देखेंगे, सरपट, तो ये क्या किया है, स, स क्या है, वक्राकार रेखा है, लेकिन क्या करेंगे, ये भी वक्राकार रेखा तो है, जैसे स क्या बनता है, एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, लेकिन है क्या, ये ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है स, और उसके साथ क्या बन रहा है, र, र कैसा है, ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो ऊपर से नीचे आने वाली रेखा भी क्या थी, प भी था, ट भी था, स्टार्टिंग रेखा था ऊपर से नीचे आने वाला, तो वो क्या करता है, लाइन के ऊपर ही बनता है, लाइन से टच होकर बनता है, तो यहाँ पर लाइन से टच करके पहला अक्षर क्या, स बना देंगे, फिर तुरंत बनाएंगे र और फिर प और फिर ट, तो पहले ही अक्षर को ध्यान देना है, अगर पहले दो अक्षर को ध्यान देंगे तो आपके जो बाकी के अक्षर हैं वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे और शब्द अपने आप जुड़कर बन जाएगा, ठीक। अगला नियम देखते हैं, वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। अब देखो वक्राकार जो रेखाएं होती है उनको मिलाना सिखा रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वक्राकार रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि न न है, म म है, त त है, सारे वक्राकार रेखा डबल डबल आ रहे हैं, तो अगर ये वक्राकार रेखाएं डबल डबल आ रहे हैं तो आप इनको यूज कैसे करोगे। पहला एग्जाम्पल है न न, नन, ठीक है, तो अगर ये पहले सिंपल आया तो आप क्या कर रहे थे अब तक, अगर नीचे आने वाला आ रहा था तो ऊपर बनाए थे, ऊपर जाने वाला आ रहा है तो लाइन पर टच होकर बना रहे थे, अब सिंपल ये डबल यही लोग आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल यही आ रहा है तो एक दूसरे से टच करते हुए लाइन से टच करते बनाओगे। देखो न और न, ये आपकी कॉपी की लाइन रहेगी, आप न और न जो डबल डबल वक्राकार रेखाएं आएंगी आप उसे स्टार्ट कहाँ से करोगे, लाइन से टच होकर ही स्टार्ट करोगे, चाहे न के साथ स जोड़े, न के साथ त जोड़े, न के साथ या कोई भी वक्राकार रेखाओं को एक साथ जोड़े, स्टार्ट आप कहाँ से करोगे, लाइन से टच करके ही करोगे, लाइन से टच करके ही स्टार्ट करोगे अगर एक वक्राकार रेखा के बाद दूसरी वक्राकार आए, ठीक है, वक्र प्लस वक्र अगर आए तो क्या करोगे, लाइन से टच करके ही स्टार्ट करोगे, ठीक।
कैसे दिए सारे एग्जाम्पल, मम दिया है तो म और म, ये भी लाइन से टच हुआ है। तत दिया हुआ है तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, त, त से स्टार्ट हो रहा है, त कहाँ पर है, लाइन पर टच है, फिर दूसरा त बना हुआ है। फिर क्या है सस, तो सस में स और स डबल आ रहा है तो फिर से सस, एक स क्या है स्टार्ट जो हो रहा है लाइन से टच ही हो रहा है। अगला एग्जाम्पल क्या है लल, ल भी क्या है वक्राकार रेखा ही है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ऊपर जाने वाले ल से स्टार्ट किया तो ल और ल, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है लाइन पर टच होकर ही स्टार्ट हो रहा है। रर, रर में इसने क्या किया है जो नीचे आने वाला र होता है, र कैसा बनता है एक र ऐसा दूसरा र ऐसा, तो नीचे आने वाले र को यूज़ किया तो क्या किया है लाइन पर टच किया है फिर दूसरा र बनाया है। चाहे तो ये ऊपर वाला र भी यूज़ कर सकता है पर ये सीधी लाइन हो जाएगा, दो र एक साथ जोड़ देगा, एक र ऐसा बनता है ना, और एक रह ऐसा बनता है, सिर्फ इसी को दो बार बनाएगा तो लाइन लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या किया है नीचे आने वाले रह को यूज़ किया है तो एक रह और फिर ये दूसरा रह, पहला रह कहाँ से हुआ है लाइन से टच हुआ है। ठीक है, अगला नियम है सरल अक्षर इस तरह दोहराए जाते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि र और र आया था तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट ऐसा र तो नहीं खींचोगे क्योंकि क्या हो जाएगा लाइन लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा ट्रिक ही समझ लो, जैसा अगर र और र आ रहा है, एक र कैसा बनता है ये, इसकी साइज क्या होती है, र की साइज क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक ही है इसकी ओरिजिनल साइज, तो आप दो र एक साथ आ रहे इसका मतलब ये नहीं इतना लंबा कर दोगे आप क्या करोगे, एक र यहाँ तक बनाए फिर एक छोटा सा डैश नीचे निकाल के लाना फिर दूसरा र बनाना। आप एक तो ये नियम फॉलो कर सकते हो जो आपके बुक में नहीं दिया है, ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा अगर प और प एक साथ आ रहे तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले एक पहला प बनाए फिर यहीं से एक डैश निकाले फिर ये दूसरा प बनाए, प और प अगर एक साथ आ रहा है, ज और ज अगर एक साथ आ रहा है तो ये आपका पहला ज है, यहीं से आप लंबा खींच के दूसरा ज ना बनाकर आप क्या कर सकते हो, एक ज बनाए फिर हल्का डैश निकाले फिर दूसरा ज बनाए। ठीक है, क और क एक साथ आ रहा है उसके लिए भी क्या कर सकते हो, पहला क बनाए फिर एक डैश निकाले और दूसरा क बनाए। ठीक, इसके सिवा अगर रूल्स को देखें तो बुक के अकॉर्डिंग है क्या किया है, प और प यहाँ क्या किया है इसने, एक प को यहाँ तक लिखा है, ये प का ओरिजिनल साइज इसने इतना रखा है, एक प यहाँ तक लिखा फिर क्या किया है लाइन से टच किया है, क्योंकि क्या है ये ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है तो स्टार्ट कहाँ से किया है लाइन पर टच किया है, यहीं से दूसरा प जोड़ दिया है। ठीक, फिर क्या है ट और ड, ट और ड कैसा बनता है, ट ऐसा बनता है, ड भी ऐसा ही बनता है, लेकिन ड क्या होता है डार्क होता है, वो आपको कॉपी में डार्क करते बनेगा, यहाँ से लाइट चलाओगे यहाँ से थोड़ा पेंसिल को डार्क करके चलाओगे। ठीक, फिर है ग और घ को कैसा जोड़ा है, ग देखो डार्क रहता है, घ भी डार्क रहता है, लेकिन क्या होता है घ में कट का निशान रहता है, तो ये ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का इसका ग है और यहाँ से यहाँ तक घ है, वैसे यहाँ से यहाँ तक एक प है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा प है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक ज है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ज है। फिर दिया है व, वव क्या किया है इसने, एक व लिखा है यहीं से दूसरा व बना दिया है, ये तो बनाने में आपको आसानी जाएगी, स्टार्टिंग क्या करिए है लाइन से टच होकर स्टार्ट करोगे फिर दूसरा व आगे के फ्लो में ही जोड़ दोगे। फिर क्या है ह और ह, ह कैसा बनता है, एक ह ऐसा बनता है, एक ह ऐसा बनता है, इनको तो आपस में जोड़ नहीं पाओगे, या तो इसको जोड़ पाओगे या इसको जोड़ पाओगे, तो क्या करोगे एक ह यहाँ लिखा फिर दूसरा ह वैसे ही आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक, जज, जज में क्या किया है ये देखो, यहाँ तक इसने बनाया है ज ज और आगे बढ़ा दिया है झ के लिए। ठीक, ये लाइन से टच जो है यहाँ तक है ज और ये है झ। पब, पब में भी देखो ये ऊपर का लाइन लाइट है नीचे का डार्क है, तो लाइट है तो प है, नीचे डार्क है तो ब है। अब समझ में आया कि अगर सेम सेम व्यंजन, सेम सेम मतलब एक ही वर्ग के व्यंजन, ये प है प वर्ग का ही है, डबल प आया, ये तो ज ही है, ये क वर्ग का ही है, ये ट वर्ग का है, ये भी क वर्ग का है, ये प वर्ग का है ना, ये च वर्ग का, तो एक ही वर्ग के व्यंजन अगर डबल डबल आ रहे हैं एक साथ तो आप क्या कर सकते हो, या तो मैं ये जो नियम बताई इससे जोड़ सकते हो अगर आपको आसानी पड़े तो,
या तो आप जो बुक में नियम दिया हुआ है ये वाला, इससे भी जोड़ के लिख सकते हो। लेकिन इससे जब जोड़ के लिखोगे तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ इसको पढ़ पाना उतना आसान नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप स्पीड में लिखते जाओगे तो आप इसका साइज मेंटेन नहीं कर पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक लंबा, क्योंकि जब आप कोई भी व्यंजन को अपने साइज से डबल लंबा कर देते हो तो आगे के नियम पढ़ोगे तो वो दूसरे ही नियम में बदल जाता है। इसलिए क्या है, अगर आप ऐसा डैश निकाल कर ही दूसरा व्यंजन चालू करो तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक, अगला नियम है च वर्ग के अक्षर और र ऊपर और अढ़ी ऊपर जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। च और र के कोण का वृत्त नहीं रह जाता, च वर्ग के अक्षर नीचे की ओर ऊपर और र वो लिखे जाते हैं। देखो ये सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर जो ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है, जैसा का एग्जाम्पल दिया है पच, अगर प क्या है हमारा ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है, तो आपने यहाँ क्या बनाया प, उसके बाद बोल रहा है च वर्ग और र का ऊपर, र कैसा बनता है, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे वाला र बनेगा, और दूसरा क्या दिया है ये अढ़ी दिया। अढ़ी इसलिए भी दिया है क्योंकि र क्या होता है, ये देखो ये आपका र है, साथ में अगर ये अढ़ी रहा, अढ़ी भी क्या करते हो ये, तो ये ऊपर वाला है, ये दोनों नीचे वाले, तो इनको नहीं लिया है वो, ये सिर्फ इनकी बात कर रहा है। इनको क्या है, अगर आप जोड़ोगे च से, अगर आप इनको जोड़ोगे तो क्या कह रहा है, च वर्ग के अक्षर नीचे और र ऊपर लिखे जाते हैं। देखो अगर च बाद में आ रहा है तो नीचे आएगा, और अगर च पहले आ रहा है तो ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ च क्या आया है, बाद में आया है, तो इसने प पहले लिखा है और च बाद में आएगा। यहाँ क्या है, पर आया है, प पहले लिखा है, र बाद में आएगा। इसके लिए देखो कोई नियम की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि अगर आप को ये पता है कि पहला जो अक्षर है वो हमारा ऊपर से नीचे आने वाला है, तो आप उसको क्या करोगे, सिंपल सा लाइन पर टच करके ही बना दोगे। उसके बाद जो भी व्यंजन आए उसका जिस भी दिशा में हो वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। अगर र आ रहा है तो र ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक ऊपर साइड चला जाएगा, च आ रहा है तो च नीचे जाता है तो ऑटोमेटिक वो नीचे साइड चला जाएगा। जैसे कि ये है झट है, तो झ आपका क्या है, च वर्ग का ही व्यंजन है, फिर से वही आएगा जो आपके नियम में बोला है, च वर्ग का ही व्यंजन है, तो सेम नियम फॉलो होगा। क्या बोल रहा है, अगर च पहले आएगा, च पहले आया है तो वही लाइन पर टच हो जाएगा, उसके बाद ट आ रहा है तो वो हो जाएगा, छ है तो ये कट का निशान आप स्टार्टिंग में दे दोगे। ठीक है, अब है रन, र में हमेशा क्या बोला है, वो ऊपर वाले को ही फोकस कर रहा है, ऊपर वाले को कर रहा है, तो आप क्या करोगे, र और फिर न, र क्या है, लाइन पर टच हुआ है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जितने नियम आपके बुक में दिए हुए हैं उनको ज़्यादा डीप से अगर आप देखोगे तो भले समझ में नहीं आएगा, सिंपल शब्दों में समझोगे तो यही है कि अगर स्टार्टिंग में आपका च आ रहा है तो आप क्या करोगे, लाइन से टच करके स्टार्ट करोगे, अगर च बाद में आ रहा है तो च का जो दिशा है उसी दिशा में वो आगे बढ़ जाएगा। कोई भी व्यंजन, चाहे ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन सिंगल आ रहा है तो लाइन से टच होकर स्टार्ट होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो लाइन से टच होकर ही स्टार्ट करेगा। जैसे र ऊपर जा रहा है तो लाइन से स्टार्ट होकर ही जा रहा है, च नीचे आ रहा है तो लाइन से टच होकर ही वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट है आपका कि स दायां बायां और ल र नीचे ऊपर नियमानुसार लिखे जाते हैं। देखो स का दायां बायां दोनों, ठीक है, स का दायां बायां दोनों, मतलब कि ये वाला स हो गया और ये दोनों स, और ल र नीचे ऊपर, ये ल है ना, ये एक और ल, और र का कौन सा, नीचे वाला, र कौन सा, नीचे वाला, सिर्फ एक र क्या होता है, ऊपर वाला होता है, ये र कौन सा है, नीचे वाला, किस हिसाब से लिखे जाते हैं ये वो बता रहा है। देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है ल और ल डबल है, ल क्या है, वक्राकार रेखा भी है, जो मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था, दो दो वक्राकार रेखा एक साथ आ रहे हैं तो क्या करोगे, पहला तो लाइन पर टच करके बनाओगे ही, दूसरा जिधर भी जाना रहेगा उस दिशा में वो आगे बढ़ जाएगा। फिर है लम, ये दोनों भी वक्राकार रेखा हैं, ल को पहले आप टच करके बनाएं और फिर यहाँ पर म बना सकते हो, लेकिन ये मैंने क्या लिया है, ऊपर बनाने वाला, बुक में क्या लिया है नीचे वाला, तो इसलिए ये दिखा रहा है कि अगर आप क्या करोगे, ये देखो ल और म,
दोनों बनाओगे तो आपको दोनों ही सही पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको ये ल और म ऐसा बनाना ज़्यादा इजी पड़ रहा है कि ल को पहले नीचे वाला लाओगे फिर म बनाओगे, ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है। बनाओगे तो दोनों ही पहला व्यंजन जो है वो लाइन पर टच हो ही रहे, चाहे आप ल यहाँ से बनाओ तो भी लाइन टच होकर यहाँ म बन रहा है, म बाद में ही बन रहा है, ल नीचे वाला लाओगे तो भी यहाँ लाइन टच हो रहा है, उसके बाद ही म बन रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है लर या लर। ठीक, यहाँ देखो इसने क्या किया है, इसका ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक जो है ये बना हुआ है ल, और ये जो नीचे गया है वो बना हुआ है र, क्योंकि जब ल और र बनाते हो तो क्या होता है, र कैसा बनता है, ये हुआ ल और यहीं से ये होता है र, और जब ल और र को आपस में जोड़ दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये वृत्त का आकृति, जो अर्धवृत्त का आकृति होता है वो बन जाएगा आपस में जोड़कर, ये आपका ऊपर वाला ल हो जाएगा और ये नीचे वाला र हो जाएगा। ठीक है, र दो टाइप से बनता है, ऊपर ये नीचे, वैसा ही ल बनता है ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले ल को लिए हैं, यहाँ से नीचे वाला र लिए हैं, दोनों को जोड़कर आकृति ऐसे ही बनती है। तो जब कभी लर एक साथ आए तो आप क्या करोगे, ये गोलाकृति बना दोगे, तो वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ हो जाएगा। ठीक, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं नल या नल का। ठीक, तो नल या नल देखेंगे क्या क्या है। पहला हमारा आड़ी रेखा आ रहा है, तो मैंने बोला जब आड़ी रेखा आ रही है फिर आड़ी रेखा आ रही है तो क्या करोगे, पहला तो ये ऊपर बनाओगे फिर ल नीचे बना लोगे, या तो मैंने क्या बताया था कि न आप यहाँ पर बनाओगे लाइन पर टच, फिर जो रेखा जिधर भी जाएगी जिस भी फ्लो में जाएगी वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, लाइन से, लाइन से स्टार्ट किए वक्र रेखा को, फिर आगे जो भी है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होगा जब आप स्पीड में ये आउटलाइन बनाओगे, स्पीड में बनाओगे जब ये आउटलाइन, तो आप लोग को ये दिखाई नहीं देगा कि कहाँ से न खत्म हुआ है और ल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ज़्यादा सही कौन सा बनता है आपका, ये वाला आउटलाइन बनाना ज़्यादा सही बनता है, ये बनाए न और ये नीचे आने वाला ल, ये हो गया न और ये ल है नीचे आने वाला। ठीक है, फिर है सप या सप। सब या करके इसलिए दिया हुआ है सेम चीज़ को क्योंकि दो टाइप से बनता है वो, क्योंकि स के पास, स का क्या है, हमारे पास दो दो आउटलाइन है, एक लेफ्ट भी एक राइट भी, तो ये कह रहा है कि स के साथ ये प बनाओ या स के साथ ये प बनाओ, सही दोनों होगा, लेकिन सिर्फ सुविधा का फ़र्क होता है कि आपको अगर ये बनाने में ज़्यादा आसान पड़ रहा है तो ये बनाओ, ये बनाने में ज़्यादा आसान पड़ रहा है तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।